नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी होती है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखें जिससे आपको न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल सौरभ ज्ञानियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल, इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 97 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और यह 10 कैप्सूल की एक स्ट्रिप में आता है और इसकी जो मार्केट प्राइस होती है वह समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसकी कंपनी की बात करें तो इसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। बात करें इस कैप्सूल के कंटेंट के बारे में तो इसमें मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल होता है। और आइए जान लेते हैं इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में। फ्रेंड्स, आजकल जो हम खाते पीते हैं वह हमारे शरीर को नहीं लग पाता। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वह हमारे शरीर को नहीं मिल पाती, क्योंकि खाने में जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने लगती है और इसी कमी के कारण हमारे शरीर की नसें कमज़ोर होना, नसें दब जाना, नसों के दब जाने से कमर दर्द, साटिका की समस्या होना, आलस आना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, यह सभी समस्याएं होने लगती हैं। और इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा इस कैप्सूल का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में खून की कमी, कमजोरी, यह सभी समस्याएं होती हैं और इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है और कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से भूख भी बहुत अच्छी तरह से लगती है और दुबला पतला शरीर मोटा भी होता है। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है कमजोरी दूर करने के लिए। और आइए जान लेते हैं इस कैप्सूल की डोज के बारे में। न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इस कैप्सूल की नॉर्मल डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति में इस कैप्सूल की नॉर्मल डोज एक कैप्सूल दिन में एक बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं और इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस कैप्सूल की डोज उम्र और वजन के हिसाब से अलग अलग होती है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है यह उसकी समस्या के ऊपर निर्भर करता है। तो डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करने को कहें आप उतनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट में जी मचलाना, उल्टी होना, कब्ज होना, सर दर्द होना, पेट में दर्द होना और कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि त्वचा में दाने निकलना, खुजली होना, लाल चकत्ते होना, यह सब इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सबको नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की जानकारी न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।